नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ओमनी स्फटिक के बारे में बता रहा हूँ। ओमनी स्फटिक मेरी 14 ओमनी पद्धतियों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य जब मैंने इसे बनाया था, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स के साथ हम किस प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं उसको ध्यान में रखकर इस पद्धति को लाया गया। आप में से बहुत से लोग रेकी के बारे में जानते होंगे, रेकी मास्टर्स भी होंगे, रेकी ग्रैंड मास्टर्स भी होंगे, और वो अपने स्टूडेंट्स को या स्वयं भी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते होंगे। ज़्यादातर लोग, मैंने देखा 80% से ज़्यादा लोग जब भी क्रिस्टल का उपयोग करते हैं तो वो उसोई रेकी या करुणा रेकी या ओशोनियो रेकी में से जो भी इनिशिएशन या अटेनमेंट उनको मिला हुआ है उसी ऊर्जा का उपयोग करके उनको क्रिस्टल में समाविष्ट करके या उनको चार्ज करके स्टूडेंट्स को देते हैं या स्वयं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ये बात बहुत ध्यान में रखने योग्य है कि क्रिस्टल की जो एनर्जी होती है वो बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रिस्टल की जो एनर्जी है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। पृथ्वी की ऊर्जा यीन एनर्जी कहलाती है। यीन एनर्जी में बहुत ठंडक है, इसलिए जब भी आप कोई क्रिस्टल हाथ में लेते हो तो वो बहुत ठंडा होता है। उसकी प्रकृति बहुत ठंडी होती है, वो कभी गर्म नहीं होता। नेचुरल क्रिस्टल जो भी आपको मिलेगा अगर आप उसे हाथ में लेते हैं, चाहे वो रोड्स क्वार्ट्ज़ हो या पिरामिड हो या क्रिस्टल पेंसिल हो, किसी भी प्रकार का हो, हमेशा बहुत ठंडा होगा। अब कोई ऐसी चीज़ जो यीन एनर्जीज को ग्रहण करती है उसके लिए हमें सिर्फ यीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसोई रेकी उष्णता की प्राधान्यता लेती है। मुख्य प्रधान उसमें जो ऊर्जा है वो यांग ऊर्जा है। यांग ऊर्जा मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा। ब्रह्मांड की ऊर्जा गर्म होती है, उष्ण होती है। इस उष्णता को अगर हम क्रिस्टल के साथ प्रयोग करेंगे तो क्रिस्टल की खुद की जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी, उसका पूरा उपयोग हम नहीं कर सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने जब ओमनी स्फटिक का निर्माण किया तो उसे यीन ऊर्जा से चार्ज किया, अभिमंत्रित किया। इस प्रोग्राम में जब भी आप इसे सीखने आते हैं, एक प्रोग्राम क्रिस्टल मैं आपको देता हूँ, जो आपका जो अटेनमेंट हुआ है या आपका जो शक्तिपात हुआ है उसके माध्यम पर, उसके ऊपर आधारित जो जिस प्रकार की ऊर्जा आपने ग्रहण करी है उसी के आधार पर आपको क्रिस्टल दिया जाता है। ये आपका एक पर्सनल क्रिस्टल होता है। इसका उपयोग आप अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं। क्रिस्टल की ऊर्जा, जैसे मैंने कहा, ये ऊर्जा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर चक्रस, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र की ऊर्जा के साथ ये अभिमंत्रित होता है। पैरों के तलवे हमारे जब भी हम पृथ्वी पर रखते हैं, जो कि कहे जाते हैं कि बेयर फुटेड, बिना चप्पल के, बिना जूते के, तो हम उसमें पृथ्वी की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। बहुत से रेकी प्रोग्राम्स में ये बोला जाता है कि कभी भी नंगे पैर आप ज़मीन पे मत रखिए, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर आप नंगे पैर बैठकर भी, बिना चप्पल के भी, अगर सिर्फ दरी पर या कहीं बैठकर रेकी करते हैं तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, उससे आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। क्योंकि जैसे ही आप ज़मीन पर नंगे पैर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं कुर्सी पे, तो पृथ्वी की ऊर्जा संचारित होनी चालू हो जाती है।
आपके पैरों के तलवे से आप यीन ऊर्जा को लेना ग्रहण कर देते हैं। अब रही बात ओमनी स्फटिक की, तो इस प्रोग्राम में आपको एक मंत्र और एक सिंबल दिया जाता है। सिंबल मतलब एक तरह का डायग्राम आकृति, जिसे आपने आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ पर बनाना होता है। एक बार सिंबल को बनाया जाता है, 3 बार उसका मंत्र बोला जाता है। यही प्रक्रिया हम कोई भी क्रिस्टल को, जो नेचुरल क्रिस्टल हो, सिंथेटिक क्रिस्टल नहीं, उसको चार्ज करने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ओमनी स्फटिक का अटेनमेंट हुआ, उसके बिना आप कोई भी क्रिस्टल को चार्ज नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ओमनी स्फटिक में एक विशेष प्रकार का लोअर चक्रस का इनिशिएशन भी किया जाता है। बिना इनिशिएशन या शक्तिपात के ये ऊर्जा व्यर्थ है। मैं आपको सिर्फ उसके बिना भी अगर सिंबल दिखा दूंगा, मंत्र दिखा दूंगा, तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम आप मेरे ओमनी होलिस्टिक सेंटर, भोपाल सेंटर या पुणे सेंटर पर भारत में आकर कर सकते हैं। यदि आप किसी वजह से असमर्थ हैं आने में, तो डिस्टेंट लेवल पर भी इनका शक्तिपात आप ले सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। इसमें एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। सर्टिफिकेट एक माध्यम है हमें समझने के लिए कि आप एक ऊर्जा के चैनल हैं और ओमनी पद्धतियों के चैनल हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में इस वीडियो में आपको बताया कि ओमनी स्फटिक इन 14 पद्धतियों में से एक है, जिनका निर्माण मैंने 1997 में किया था। सबसे पहले पद्धति ओमनी हीलिंग थी। इसका वीडियो भी हिंदी और अंग्रेज़ी में इस चैनल पर उपलब्ध है। ओमनी स्फटिक का भी अंग्रेज़ी में वीडियो आपने शायद पहले देखा होगा, जो मेरे इस चैनल पर है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, पूरे अंत तक देखें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ शंकाएं हैं, तो इस वीडियो के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मेरा ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।